अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो मैं हूं आपका होस्ट वकार एके, और आज का जो स्पेशल व्लॉग है हमारा वो इस बारे में है कि हमारे एक अच्छे दोस्त मुदस्सिर भाई, जो कि अपना गाना उसकी जो है ना शूटिंग करने लगे हैं, उनकी शूटिंग होगी उनके सॉन्ग की। ठीक है, मज़े की चीज़ ये है कि कंपोजिंग भी ऑलमोस्ट उनकी है, उनकी लिखा हुआ भी उन्हीं का है, और सिंगिंग तो खैर वो करते ही हैं, तो सिंगर भी वो खुद ही हैं। अब उनके गाने का शूट है और सुबह से वेट हो रहा था, काफ़ी जल्दी स्टार्ट करना था, बट ड्यू टू ट्रैफिक जैम्स तो थोड़ा डिले हुआ है। लेकिन अब जो है ना बात को लंबा नहीं करेंगे, डायरेक्ट पहुंचते हैं शूट साइट पे, और वहां पे जो है ना देखते हैं कि क्या क्या तैयारियां शुरू हो गई हैं और क्या क्या भी करनी बाकी हैं, और कैसे होगा, किस तरीके से होगा, कितना अच्छा हो रहा है कितना नहीं, तो सब दिखाएंगे आपको। हम भी इंजॉय करेंगे, आप भी इंजॉय कीजिएगा, आप भी देखिएगा, हम भी देखेंगे। तो मिलते हैं डायरेक्ट साइड पे, चलिए। और अभी ये 19 की आवाज़ है कि 19 रुपये और बढ़ेंगे अगले जुम्मे तक, कह रहे हैं $300 तक जाएगा, तकरीबन 84 रुपये आपका पेट्रोल पड़ेगा। हमारी जो गवर्नमेंट है वो बहुत हैवी जा रही है, ठीक से देखो किस पे ले आई, किस पे ले आई, और उन्हें पता लग गया कि हम जवान हो गए, हम कमाने के लायक हैं, तो इसलिए हर्डल्स आ रहे हैं हमारे कामों में। बाकी वीडियो में तक लास्ट में देखा करें, हाँ वो देख लेंगे। बाकी रिक्शे पे देखा था क्या लिखा हुआ था, रूहानी इलाज। अब वो तो ब्लर हो नहीं जाता। नहीं नहीं क्या ब्लर करना, रूहानी इलाज के लोग नहीं करवाते। तो पाकिस्तानी आए, ओए ओए मजे तो इसके जिसके फूल लगे हुए हैं गाड़ी को, बाकी समझदार समझ जाएंगे। ओके, तो हम लोग भाईजान इस वक्त पहुंच चुके हैं अपनी लोकेशन आई स्किल्स पे, और आई स्किल से पहुंचने के बाद हम लोग बेसिकली अपने मुदस्सिर भाई से जो है ना मिलने के लिए आए हुए हैं, रॉक स्टार मुदस्सिर भाई। तो आगे का प्लान भाई यही बताएंगे, और अभी आगे की तरह जो भी होगा वो करेंगे इजीली। तो जैसे जैसे हम जाते जाएंगे बस वैसे वैसे मौके पे करेंगे, एडवांस में कुछ नहीं होता। ठीक हो गया, तो एडवांस में कुछ नहीं होगा, नेक्स्ट सीन का करते हैं। ये यहाँ पे आ गए हैं भैया जावेद, ठीक है, साउंड वगैरह पार्टी शार्टी के लिए बेसिकली कुछ अरेंजमेंट जो है ना वो उसमें कमी आ गई है, अकेले मुदस्सिर भाई संभाल रहे हैं, थोड़ी तंगी हो रही है, इनके भाई भी इनके साथ है, दूसरे भी हैं, लेकिन फिर भी असल में मुल्तान में जो है ना हमारे बेसिकली कोई इशू है, कोई जो है ना एहतजाज चल रहे हैं, जिसकी वजह से सारे मेन रोड जो हैं वो ब्लॉक हैं, बंद है इस वक्त, ट्रैफिक जो है ना सारी अल्टरनेट यूज़ कर रही हैं, और जिसकी वजह से जो है ना कन्वेंस जो ट्रांसपोर्ट है उसको बड़ा तंगी हो रही है कि कहीं एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, इसलिए अरेंजमेंट भी जो है ना सारी डिले हो रही हैं, चीज़ें टाइम पे पहुंच नहीं रही हैं, कोई आया नहीं है, किसी का पता नहीं है, कहीं तक पहुंच नहीं पा रहे, तो ये तंगी है। इसलिए भी कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो रह गई हैं वो पूरी करते फिर रहे हैं। उसके बाद फिर जो है ना हमारे मुदस्सिर भाई की जो है ना वो होगी तैयारी होगी, ये रेडी होंगे क्योंकि इनका फिर शूट होगा, इन्होंने वीडियो में आना होगा, तो उसके लिए उनको तैयार होना पड़ेगा, ये हिसाब है फिलहाल। तो अगला सीन देखो क्या बनता है। तो बेसिकली ये लोकेशन है जो कि अभी फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन इसके टेरेस के ऊपर जो है ना पार्टी सीन होगा जो रिकॉर्ड होगा, और फिलहाल जो है ना रिहर्सल वगैरह हो रही है, तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह कुछ आउटडोर्स के शूट्स हैं जो कि मुदस्सिर भाई के हैं वो होंगे, तो वो भी दिखाएंगे आपको इंशाल्लाह। तो अस्सलाम वालेकुम ब्रदर्स, ये जो है वो लोकेशन है जो कि वो टेरेस वाली, ये बेसिकली लोकेशन है, इधर यहाँ पे पार्टी वाला सीन होगा, ठीक है, और यहाँ पे इस लोकेशन के ऊपर जो है ना वो रिकॉर्डिंग वगैरह होगी बेसिकली, कि जो है ना वो पार्टी सीन दिखाएंगे, फुल गैदरिंग वगैरह, और वो शूट जो होगा, ठीक है, और ये वो एक इंडोर वाला जो ये है वो ये सीन है, यहाँ शूट करने का प्लान हुआ हुआ है, यही डिसाइड हुई हुई जगह, और यहाँ पे भी जो जो सेटिंग करनी है जैसे लाइट्स वगैरह की है, अभी जैसे ये लाइट्स वगैरह भी यहाँ पे नीचे लटकी हुई है, इलेक्ट्रिशियन ने ये सेट करनी है, तो वो बेसिकली रात के शूट्स हैं, वो दिन के शूट्स नहीं हैं, तो इसलिए वो नो प्रॉब्लम, तो वो जो है ना उसके अंदर सेटिंग अभी होगी मज़ीद। बाकी माशाल्लाह वैसे भी ये जो फार्म हाउस के हैं, इसको आप घर के हैं जो मर्ज़ी कहें, ये वैसे भी वैसे ओवरऑल बहुत ज़बरदस्त बना हुआ। अच्छा, हमारे DOP नासिर भाई, नासिर भाई सलाम हो गया, ठीक ठाक, ये नासिर भाई हमारे DOP हैं, और माशाल्लाह इनका काम अच्छा है, और अभी तो खैर फिलहाल तैयारियां चल रही हैं, फिर उसके बाद शूट भी प्रॉपर स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह।
तो फिलहाल तैयारी अपने ज़ोर पे है। हमारे मुजफ्फर भाई भी गेटअप में आ चुके हैं, जिनका शूट बाइक पे है और वो दूसरे भाई के साथ है, उनका मुझे नाम याद नहीं है इस वक्त, अली इमाम। तो भाई के जो है ना उनमें बोल हैं पश्तो के, तो बाइक के ऊपर शूट होना है और अब देखते हैं कि किस एंगल में है ये, तो मुजफ्फर भाई को या उनको पता होगा। तो चलें शुरू करते हैं। तो तैयारी शुरू हो गई है, कैमरामैन और ये जो है वो सनलाइट को कवर करने के लिए जो है ना, सॉफ्ट लाइट देने के लिए जो है ना, वो थर्माकोल की शीटें वगैरह जो होती हैं यूज़ होती हैं वो हो रही हैं। और यहाँ से जो है ना हमारे मुजफ्फर भाई और ये अली इमाम भाई जो है ना वो रेडी हो गए, बाइक पर बैठ रहे हैं, तो वहाँ से इनका शूट स्टार्ट होगा। तो वहाँ से देखते हैं इनको आते हुए एक दफ़ा, ये आएंगे और फिर उसके बाद जो है ना सीन होगा। तो देखते हैं जी, आइए जी। ये जो है ना पोजीशन सेट हो गई है, वहाँ से बाइक आएगी और यूँ आगे तरफ चलती हुई जाएगी। तो ये सीन है और ये हमारे कैमरामैन वगैरह भाई वगैरह रेडी हो गए, तो अब देखते हैं वहाँ से, ठीक है। और इंटो का भट्टा है, यहाँ से जो है ना हम लोग ये इसका वो लेना चाह रहे हैं शॉट। ये हमारे भाई यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो डायरेक्शन आई है पीछे जाने की, ढूंढने की सिचुएशन है, ढूंढने की। ढूंढने की सिचुएशन वाले अंदर वो वाले एक्सप्रेशन देते हुए, ठीक है। और इसमें अभी आना शुरू करेंगे, ये डायरेक्टर जो है इधर से जो है उनको डायरेक्शन हो गई है। चलो जी अगेन का, और ये जो है ये देखिए जी, देखिए जी प्रोडक्शन फुल टाइम ऑन। ये फ्रंट शूट जो है ना टेक 5 है, और टेक 5 है, और ये डीओपी साहब भी यहीं पे कैमरे में फ्रेम चेक कर रहे हैं। और जो मुजफ्फर भाई वगैरह हैं वो वहाँ से आएंगे, वहाँ से आएंगे और यूँ इस रास्ते के थ्रू, तो फिर यूँ आगे तक जाएंगे ये, ठीक है। इसमें कुछ क्लोजअप शॉट्स भी आ जाएंगे, कुछ दूर के भी आएंगे, तो ये हिसाब होगा इनका, दूर वाले सारे शॉट्स वगैरह इसी हिसाब से सेट होंगे। और फ्रेम जो है एडजस्ट किया जा रहा है लाइट के हिसाब से, सनलाइट के हिसाब से, और उनके हिसाब से कि कैसे सही लगेगा, तो ये सारी लोकेशन किसके हिसाब से। तो उम्मीद है कि इस दफ़ा का टेक अच्छा आ जाए, क्योंकि जो इमेजिनेशन होती है और जो स्क्रिप्ट होता है उसमें से हमेशा जो है ना थोड़ा बहुत हेर पे उसमें होता ही रहता है, तो वो फिलहाल वही हो रहा है। सोचा कुछ था लेकिन अब करना कुछ और पड़ रहा थोड़ा सा, तो उसके बाद देखते हैं। उम्मीद है कि ये फाइनल शॉट सही आ जाए। जी अब देखें कि ये फ़ोन उनके हाथ में था और ये जो है ना तलाश करने वाले अंदाज में आ रहे हैं, और ये जो है ना इनको इशारा कर रहे हैं कि यार इधर हमें जाना चाहिए। तो
ये कैमरामैन तक पहुंच गए। तो यहाँ पहुंच गए, अब यहाँ पे शॉट एंड हो गया होगा। तो अब देखें क्या फैसला हुआ है। ड्रोन भी साथ में यहाँ पे उड़ा लिया गया है, ठीक है। ये देखें आपको हिलता हुआ नज़र आ रहा होगा, ठीक है। लाइट की वजह से जो है ना सही से नज़र नहीं आ पा रहा, लेकिन ये ड्रोन उड़ा लिया गया है। और अब जो है ना इशारा कर दिया गया है कि भाई जान आ जाओ, निकल पड़ो वहाँ से डॉक्टर की तरफ से। और ये हमारे भाई शुरू हो गए हैं तलाश करते हुए। अभी यहाँ मेरे ख्याल से ब्रेक लगाएंगे, सोचेंगे कि क्या करना है। और ये जो है ना इन्होंने रास्ता ढूंढने के लिए जो है ये रवाना है, आइसक्रीम ढूंढ रहे हैं वापसी। सातवां टेक वापसी। तो ये नहीं नहीं वो बताया नहीं उन्होंने, नहीं नहीं उन्हीं की तरफ जाना था। ये शॉट जो है ना दोबारा शायद लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो है ना वो गलती से रुक गए थे। उनको मुड़ना सीधा नहीं जाना था, मुड़ना ही था, मगर चलो थोड़ा बहुत जो है ना वो डायरेक्टर का वो आवाज़ नहीं जा पा रही है। उम्मीद है कि शॉट सही हो गया, वो डन हो गया और अच्छा शॉट बन गया। तो ये वाला शॉट तो कंप्लीट है, अब आगे की तरफ मुड़ेंगे।